जरूरी है। कभी कभी सालों पुराने गुल्लक का टूट जाना जरूरी है। भैया का जन्मदिन है। कभी किसी और की मंजिल लिखने के लिए अपने रास्तों को मिटाना जरूरी है। कहाँ जा रहे हो? इसे आगे जा रहा था। अरे अब बैठो, आपका जाना जरूरी है। कभी दुनियादारी की नोटों को छोड़ प्यार के सिक्के कमाना जरूरी है। आप रख लो मेरे भाई, मैं रख लूं, आपका जाना जरूरी है। जरूरी है किसी और को परवाज देना। आपसे पैसे नहीं लेंगे मैंने। आपका जाना जरूरी है। जरूरी है किसी के सपने में साथ देना। भैया एक टिकट दिल्ली। वो साथ जो आइडल के हौसलों में जान फिर होता है। आप रहने दो मैम, आपका जाना जरूरी है। जगमगाते चेहरे हैं, आंखों में है अरमान, रुक नहीं सकते कहीं आधे। आइडल के आगे इंडियन लगे, पर असल में आइडल के पीछे पूरा इंडिया होता है। ना थकने की आदत है और ना ही रुकने की इजाजत, और अपनी मंजिल को पाने के लिए हौसलों को न जाने कितने इंतजार से गुजरना पड़ता है। अगर आपको अपनी मंजिल अपने सफर के पहले कदम पे ही मिल जाए, ये है वो गोल्डन बाइक जिसे पाने के लिए सिंगर सालों साल इंतजार करते हैं। आजाओ आजाओ आजाओ, पहले कंटेस्टेंट को ले आइए, कम ऑन। नमस्ते। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी शिवदा स्वामी है, मैं 17 साल की हूँ, मैं बिदर कर्नाटका से आई हूँ। तो आज प्रिपेयर्ड होके आई हो, क्या गाने वाली हो? दमादम मस्त कलंदर। ओहो, अरे दमादम मस्त कलंदर जो गानो। अरे अरे अरे, यू हैव अ सॉन्ग लिस्ट? अच्छा, क्या बात है, प्लीज दीजिए। थैंक यू। वाओ, बहुत तरह के गाने हैं आपकी लिस्ट में। तो इतना बड़ा लिस्ट क्यों दिया? दमादम ही अगर गाना है। इन केस मतलब आपको दूसरा सुनना हो। जब भी पूछा जा रहा है बोलते दमादम मस्त कलंदर। तो फिर इतना बड़ा लिस्ट, ये जो 18 19 20 सॉन्ग्स का लिस्ट दिया, इसका क्या मतलब है? सर एक एक रेस्टोरेंट है समझो, जो पाव भाजी के लिए बहुत मशहूर है, उनके मेन्यू पे अलग अलग चीजें भी होती है। जी जी। लेकिन जब आप पाव भाजी खाएंगे, अलग अलग चीजें भी टेस्ट करना चाहिए ना? बाद में। हाँ। जी बिल्कुल। हाँ जी। आपके साथ कोई आए हैं आज? हाँ जी, मैं कभी अकेली नहीं रहती, मेरे साथ शिव जी रहते हैं हमेशा। कट्टर शिव भक्तों को जंगम बोला जाता है, वो हम है, हमारी पूरी फैमिली शिव भक्ति है। जय हो शंकर, आदि देव शंकरा, हे शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा। हमारी जो फैमिली है तीन पीढ़ियों से संगीत में ही है। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्र देव हे महेश्वर। हम सब मिलके जागरण करते हैं। जब हम जागरण करते हैं एकदम भक्तिमय और संगीतमय माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं भगवान से नजदीक ही हूँ। मेरे जीवन में सिर्फ तीन चीजें इम्पोर्टेंट है, मेरा घर, मेरा संगीत, मेरे शिव जी। हम भी शिव भक्त है जी। इतनी छोटी उम्र में इतना आस्था विश्वास, ऐसे यंग गर्ल को मिलना शायद हमारे नसीब में होता नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो दमादम करते हैं। हाँ? चलो दमादम करो। सी शार्प। वाह वाह।
खुशी की दुआ मत करना। वाह वाह। लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफ की फिक्र मत करना। सनी सा 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 सनी सा 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 सनी सा 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 सनी सा गरी गरी मग मग धम धम नी द नी द सनी द बम द बम ग म बम गरी द सनी सा द बम बब सनी सा द बम बब लाल मेरी बत रखियो पला झूले लालन हो लाल मेरी हो लाल मेरी बत रखियो पला झूले लालन सिंदड़ी शाबाश कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर दमा दम मस्त कलंदर अली ता पहला नंबर हो लाल मेरी हो लाल मेरी। चार चराग तेरे वरण हमेशा चार चराग तेरे वरण हमेशा पंजवा में पारण आई पला झूले लालन हो पंजवा में पारण पंजवा में अच्छा लगा ये कि वो अपने गाने से पहले अपने जूते निकाल के यहाँ पे बिना चप्पल के खड़ी है। ये थोड़ा 17 साल की लड़की से अनयूजुअल लड़की है। गा के तो लग नहीं रहा 17 साल की लड़की है गाना सुन के। थैंक यू सो मच। आकार वाला तान बहुत बैंग ऑन था, बहुत ही बैंग, ब्रिलियंट था। ये मुश्किल है यार। सारे नोट्स दिख रहे थे एकदम गमक जिसमें बोलते हैं, सारे बोल दिख रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। थैंक यू सो मच। तेरा क्या वॉइस है यार, फैंटास्टिक वॉइस एंड एक्सप्रेशन वाइज ऊपर नीचे एकदम बहुत जबरदस्त, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने जब गाया आप मुस्कुरा रही थी तो आप ऐसे ही हमेशा मुस्कुराती रहिए और ये आके ले जाइए। थैंक यू सो मच। शंकरा,
अच्छा विशाल, टेल मी जी, सबसे म्यूजिकल खाना कौन सा होता है? म्यूजिकल खाना, आप बताओ। मिल्क शेक। क्यों? टेस्ट शेक करता है ना, चका 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 चका, लास्ट में ऐसा पी गया। डोसा पूछो आप। क्यों? सा सा डोसा। अरे अरे ये तो नहीं यार, ये तो गलत है। डूड क्या बात है दादा, आपके साथ पीजे करना मुश्किल है। दो सा निकाल के अभी हम लोग सा सा आ जा। हाय हाय क्या बात है, दो सा, वेल डन। हां हां आ गया आ गया आ गया। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मुस्कान श्रीवास्तव। आपके साथ भी कोई आया है? हाँ मेरी मम्मा आई है, वो बोल रही थी कि मुझे देखना है तुम्हारी परफॉर्मेंस, तो मैं बुला ली। हाँ जरूर बुलाइए उनको, स्टेज पे बुला लीजिए मम्मी जी को। नमस्कार। बहुत खुशी हो रही है मुझे आज आप लोगों के सामने खड़े होकर के। इस मोमेंट का, इस समय का हमने 14-15 सालों से इंतजार किया है मैम, कि मेरी बेटी इंडियन आइडल के इस स्टेज पर आए गाए, और आपको मैं बता नहीं सकती आज मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, वर्ड्स नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। अगर 14-15 साल से अगर आप इंतजार में हो, मतलब तैयारी चल रही है, तो हम भी बहुत बेचैन है सुनने को मुस्कान की आवाज को। क्या गाने वाले हो आज? मैं लता जी का जहाँ पे सवेरा हो। Are you serious? हाँ। ये गाना बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत कठिन गाना है, माय गॉड। मुझे बहुत पसंद है ये गाना। बहुत सुंदर गाना। ऑल द बेस्ट, शुरू करिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी पास बैठो, किसी फूल के पास सुनो, जब महकता है बहुत कुछ ये कहता जहाँ पे बसेरा हो
अब भी इंडियन आइडल वाली बात। सही बात है। मुस्कान, ये गाना ये टेक्स्ट बुक है गाना। इसमें इतनी सारी चीजें हैं, इसको चुन के गाना ही बहुत बड़ी आपने अच्छी चीज की है कि आपने आपका रेंज दिखा दिया इस गाने में। थैंक यू मैम। कंट्रोल बहुत चाहिए। बसेरा हो तारू कंट्रोल कंट्रोल। ऊपर के जब नोट्स लगते हैं ना तो यूजुअली सिंगर स्टार्ट शाउटिंग, बट उसका जो मिठास है वो निकल जाता है, वो आपका गया नहीं। आपका जो वो इंट्रो में फूल का जो बोलना था वो, कैन यू सिंग दैट लाइन वंस अगेन? अभी पास बैठो। हाउ शी वेंट स्ट्रेट टू द नोट ऑफ फूल की। एकदम एकदम एकदम। किसी फूल के पास। इसमें जो गोलाई है ये मींड को लाना, इट्स नॉट ईजी। मुझे बहुत मजा आया। I thoroughly enjoyed this. Thank you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.